एक बार भी आया होगा ना तो मेरे सामने उसको खड़ा करो, रईस शेख की बात करो मैं। मैंने यहाँ तो आते हुए नहीं देखा अभी तक, अभी यहाँ की वीडियो भी नहीं होगी, उनकी सोशल मीडिया पे हर जगह की वीडियो दिखाई जाएगी पर यहाँ की नहीं दिखाई देगी, यहाँ आया नहीं तो क्या बनाएगा वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बैत और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बर्फ गली में, जिसको बर्फ गली के नाम से भी लोग जानते हैं, और यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक कि यह आधा बर्फ गली में आता है और आधा काप तालाब में। यहाँ पर होने की वजह यह कि यहाँ के जो स्थानिक है वो पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर, कि यहाँ पर कभी भी डेवलपमेंट के नाम पे कोई चीज़ नज़र नहीं आई, चाहे वो कॉरपोरेटर के जरिए हो, चाहे वो MLA के जरिए हो, या नगर पालिका के जरिए हो, किसी के भी जरिए यहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट होता हुआ नज़र नहीं आया। खासतौर पे अगर मैं बात करूँ तो जो मूलभूत सुविधा है, यानी रोड अच्छे होने चाहिए, गटर की अच्छी होनी चाहिए, पानी टाइम पे आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रही है। सालों से हमने इसके पहले भी एक दो बार यहाँ पर वीडियो बनाकर डाली है मगर उसका अभी तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं। दूसरी चीज़ जो दूसरी बात यहाँ पर यह कि आप मेरे उल्टे हाथ की तरफ देखें, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये मिनी हाई मास लाइट का जो कार्य है वो 2023-24 के मूलभूत सुविधाएं विकास योजना के तहत माननीय आमदार श्री रईस कासम शेख जी, जो कि भिवंडी पूर्व विधानसभा के प्रयासों से संपन्न हुआ। अब ये एक पोल लगा हुआ है ऊपर, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ के जो स्थानीय है ना वो कुछ बात बताना चाहते हैं, तो चलिए उनसे बात करेंगे। जी भाई, इधर आइए। अभी आपको देखिए अवैध भाई, मैं बोलना चाह रहा हूँ आप, जैसे कि मैं आप देख रहे हो ये बोर्ड है, ये मरकरी है, ये बोर्ड का मकसद तो मेरे को नहीं पता क्या है, क्या वजह से लगा गया। और ये रईस शेख यहाँ के MLA है तो अभी तक का झांकने क्यों नहीं है 5 साल में, बहुत जगह विकास करा रहे है। सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि ये एरिया ईस्ट में आता है या वेस्ट में आता है, पहले वो बताइए। तो मेरे साथ जो है उनको भी पता है ईस्ट में आता है, इससे पहले भी मैं आपको बुला चुका और बता चुका हूँ ये ईस्ट में आता है। और रईस शेख की बात रही, मैं इसको बहुत कॉल किया, इसको मैसेज डाला, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया, तो इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं आ रहा इधर, क्या वजह, क्या मतलब क्या है? कॉल आपने किस लिए किया था और उनको मैसेज क्यों किया था आप लोग? अभी अंदर लेके जाऊंगा ना, पूरी तकलीफ दिखाऊंगा, कौन सी प्रॉब्लम है, क्या मसला है, हर चीज तुम बोलोगे, एक भी मेरे को फैसिलिटी नहीं मिली। फैसिलिटी जो आप बोल रहे हो अभी, गटर का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम चलो रईस शेख समझ में आता है, गटर का प्रॉब्लम तो जो नगर सेवक रह चुके आपको उनको बोलना चाहिए या नगर पालिका को बोलना चाहिए आपको। नगर सेवक यहाँ कोई जागने नहीं आया, ठीक है। और रही बात नगर सेवक की और गटर की, गटर मैंने याकूब से 2 बार बनाया, ये सब लोग गवाह है, याकूब का वार्ड नहीं आता यहाँ पे, तो गए ना हम लोग को मानता है, मान सम्मान देता है, हमारी बात सुनता है, हमारी बात रखता है, तो नहीं नहीं बोलते, फिर भी बना दिया 2 बार गटर उसने बनाया, उसमें भी लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेके जाते हैं जिसमें से वो चेंबर वगैरह टूट जाता है। और अभी फिलहाल अब मोहरम का टाइम था, करीब मोहरम आ गया था तो चेंबर के लिए मैं बहुत इधर उधर दौड़ा, नहीं मिला। आखिरी में फिर मैं याकूब भाई को फोन किया, याकूब भाई ऐसी ऐसी बात है, तो याकूब भाई मेरे को 2 दिन का टाइम दिए, फिर सामने से कॉल किए, फिर मेरे को बोले जा वहाँ चेंबर पे रखा है तला मोमिन के घर पे, फिर तला भाई से मेरी बात हुई, फिर वहाँ से मैं चेंबर ले गया, वहाँ का भाड़ा भी मैं दिया, लोग वो दे रहे थे वो लोग पैसा, मैं बोला नहीं आप लोग इतनी मदद कर रहे बहुत है, क्योंकि यहाँ के कॉर्पोरेटर तो कोई ध्यान दे रहा नहीं है और ना MLA ध्यान दे रहा है। 5 साल हो गए रईस शेख को जीत के, स्कूल बना दे रहे बड़ी बड़ी, रोड बना दे रहे, तो ये एरिया में क्या है? आप उनको बोलते हैं जिनका जिनकी ये जगह है, जिनका ये एरिया है? बहुत बार बोले गए चारों, जिसमें से आपने उनको बोला, उनको बताया कि भी आओ यहाँ पर ये तकलीफ है? परेशान भाई को भी बोला हूँ, इस्माइल मिर्ची भी, इस्माइल मिर्ची तो रिजाइन नहीं चुका है, तफजुल है, और जिसपे इनके गाले एक दानी संसारी, ये सबको बोला गया। फिर उसके बाद रहा MLA, इनसे तो कुछ हुआ नहीं। नगर पालिका को बोला आपने? नगर पालिका में भी जा गया है, हाँ आधे ने बोले, फोन किए एक दिन आए, बोले खाली ऊपर से कचरा लेके गया, सब हो गया, खत्म हो गई बात। इस लाइट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। देख सकते हो खंबा लगा है, खंबा लग के ना 1.5 महीना हो गया, इसमें लाइट नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, इसको आप देखो ना, ये देखो अंधेरा नहीं दिख रहा आपको, लाइट तो दिख रही है, लाइट चालू नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि शायद कुछ और, तो क्या क्या वजह हो गया, खाली लग गया और रईस भाई का वोट लग गया। रईस भाई को सोशल मीडिया से प्यार है, उनकी अवाम से प्यार नहीं है, तो बोलते हैं कि मुझे तो भिवंडी प्यार है। देखो ये जैसे कि आप देख सकते हो, मैं उनको रईस भाई को कितना मैसेज और कॉल किया हूँ। अच्छा, किस बारे में मैसेज किया था आपने? आप मैसेज भी पढ़ लो कि रईस भाई देखो ये सब फोटो वीडियो भी भेज रहा हूँ मैं उनको, ये इन्होंने रईस भाई को जो है ये देखिए, उन्होंने ये बहुत सारा फोटोज है और बहुत सारे वीडियोज है जो उन्होंने, और मैं इनको करीब, अच्छा ये अव्वल से पहले भी, देखो ये अच्छा पहले की वीडियो है ये, अभी जो रवि अव्वल गया ये बड़ा त्यौहार आया, हम अपने जेब से खर्चा किया फिर लाइट लगाए, फिर हमारे पास पावर था पूरा उस टाइम, आप वीडियो देखो ना भाई। तो अभी अभी इनके कहने के मुताबिक कि भाई ये जो पोल लगा हुआ है, ये जो पावर का खंबा लगा हुआ है, ये पिछले 1.5 महीने से चालू नहीं है, इसमें पावर नहीं है, इसमें कनेक्शन नहीं है। आप अंदर की तरफ चलते हैं, जरा देखते हैं कि अंदर ये लोग जो बता रहे हैं कि अंदर भी इतनी सारी प्रॉब्लम है भाई। भाई की बात करूं तो यहाँ पर इनको जो मसला है वो ये कि ये जो रास्ते को छेक कर रखा गया है, अब यहाँ पर ये किसका किसका सामान है, किसका नहीं, किसका ठेला है, किसका नहीं, आप ही लोग बता सकते हैं? ये तो अपने को भी नहीं पता, ये भाई बता देगा किसका, लोग नहीं पता किसका है, असल में हम यहाँ नहीं रहते ना, ये लोग का कहना है जैतूनपुर होटल, ये बर्फ गली है और वो जैतूनपुरा काप तलाव है,
तालाब, मतलब बांट दिया एक 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 ही। इसके लिए हमेशा आप देखे होंगे वहाँ तक का दिखेगी, वो दुकान तक का तुमको रोड दिखेगी, उसके आगे रोड नहीं दिखेगी। क्या वजह है? क्योंकि यहाँ ये ना ये यहाँ पे स्टैंडर्ड लोग रहते हैं, वहाँ मिडिल क्लास लोग रहते हैं। क्या मिडिल क्लास लोग क्या इंसान नहीं है? स्टैंडर्ड लोग इंसान है, क्या मिडिल क्लास के लोग इंसान नहीं है? क्या इंसान ये रईस भाई को नहीं दिख रहे? रईस भाई एमएलए है ना, बरोबर लिस्ट में आता है तो बिल्कुल वो एमएलए है। ढाबे से सर बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को बताया भी ना, मैं बताया, कॉल किया मैं तुमको, वीडियो वगैरह बताया, अब इससे ज्यादा सबूत क्या दूँ? क्या बोला उन्होंने कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे? मेरे को मैसेज का रिप्लाई दिए, लोकेशन भेजो, लोकेशन भेज के भी मेरे को रबिया बोल दे पहले भेज चुको, अभी तक का जाके नहीं आए। ये तो फिर गलत बात है। अगर रईस शेख साहब ये वीडियो अगर आप तक पहुँच रहा है या आपके किसी भी कार्यकर्ता या जो भी लोग आपसे जुड़े अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो बराए मेहरबानी आप रईस शेख तक ये बात पहुंचाइए कि ये एरिया उनके वार्ड में आता है, उनके क्षेत्र में आता है और इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर कि एक तो ये मरकरी लाइट जो लग गई है अभी वो चालू नहीं हुई है, उसके अलावा इस एरिया को ना दो हिस्सों में बांटा जा रहा है कि जहाँ पर पैसे वाले लोग हैं वो अलग और जहाँ पर पैसे वाले जो नहीं है वो अलग, यानी उनके एरिया में सुविधा नहीं है, पैसे वालों के एरिया में सुविधा है, ऐसा क्यों? थोड़ा सा और आगे चलिए, आइए हाँ वो तो मैंने दिखाया ना, वो तो मैंने दिखाया, अभी आगे चलिए। शहीद कलिया गए, शहीद कलिया, हाँ बिलाल का अब्बा, बोलते नहीं आप लोग कि भाई ये आपका सामान है आप लोग अपने घर पे रखिए, कितना बोलने का, वो चेक कर रखा है, तीन गाड़ी खड़ी हो जाएंगी और यहाँ टन मारो ना, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, टन मारने की जगह नहीं रहती भाई। एम्बुलेंस आई तो अपन देते क्या करेंगे? आप देख सकते हो यहाँ से एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता है, बिल्कुल नहीं है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, कहाँ से जाएगा? कभी कोई तकलीफ हो आगे आओ, आगे आओ, हम चलते हैं आगे, अंदर तक चलते, आ जाइए आ जाइए। मैं इनका जो कहना है ना भाई कि यहाँ पर जो रोड है वो रोड में भी पार्शियलिटी है और सर्विस देने में भी पार्शियलिटी है कि ये जो पूरा रोड है, हाँ ये वाकई में अच्छा है, ये वाकई में अच्छा रोड है, ठीक है, यहाँ पर रोड बना हुआ है। जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे, मैं समझता हूँ आधा एरिया जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो वहाँ के बाद आपको रोड नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ये जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं सारी बिल्डिंगों के नीचे ना आपको ओटा मिलेगा, ऐसे सामने जो लोगों ने अपने अपने बिल्डिंगों के आगे ओटा बना लिया है और बड़ी बड़ी चीज़ें बना ली हैं, जिसकी वजह से आने जाने वालों को इतनी दिक्कत होती है। अभी ये चेंबर इतना ऊपर है, अभी देख लीजिए आप, चेंबर इतना ऊपर है और लेवलिंग का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पर, तो प्रॉब्लम तो होगा कि अगर एम्बुलेंस आना चाहे या फायर ब्रिगेड आना चाहे तो वो लोग कैसे आएंगे? पूरी गटर है नीचे तो। जी जी, क्या ये पूरी गटर है भाई? सब गटर के ऊपर बना हुआ है, के ऊपर बना है, देखो ना। आइए भाई इन्हीं से पूछ लेते हैं फिर, शॉप आपकी है भाई, गटर के ऊपर ही बना लिया आप लोगों ने? गटर के ऊपर क्या बना हुआ है? ये टाइल्स वगैरह जो लग गई है और अब सामान वामान ना ये उखड़ रहा था सब, उखड़ रहा था। हाँ यानी इसको हटाएंगे ना तो इसमें सब उखड़ रहा था। ऐसा नहीं लगता आपको आपका ये जो सामान वामान रखा हुआ है ऐसा भी है गटर पे? ऐसे रखा हुआ है, कुछ परमानेंट तो नहीं है? नहीं नहीं, टेम्पररी की बात नहीं है, कैसा है आप बाहर रखेंगे फिर उसके बाद कोई गाड़ी लग जाएगी, फिर उसके बाद कुछ चीजें होगी तो जगह जो है ऑक्यूपाई हो जाती है, तो ये सब आपको अंदर रखना चाहिए। चीजें तो नहीं है ये सब, अपना ऐसे टेम्पररी रखा हुआ, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, लेकिन टेम्पररी चीजें भी अंदर होनी चाहिए दुकान के, बाहर क्यों है? एक्चुअली दुकान में थोड़ा कंजेस्टेड हो गया वो हिसाब से, वो गटर है, एटलीस्ट उसको तो आप लोग इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि कैसा है लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। खराब हो चुका है, आगे की आप गटर का वो करेंगे ना अभी हाँ, आप आगे देखो तो आगे कंडीशन मालूम पड़ेंगे आपको। सो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा अगर उसको अंदर करेंगे तो अच्छी बात है। हाँ ये दिखाइए क्या बात है, ये सब गटर है और गटर के ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई है एक लाइन से, क्या बात है एक नंबर। अब किसको बोलेंगे आप बताइए, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर बनी हुई है, दुकानों का ओटा है, किसको बोलेंगे? अभी बोलेंगे तो फिर वो लड़ाई झगड़े वाली बात आएगी कि भाई तेरे को क्या तकलीफ है, हमारा एरिया है, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों इसमें कर रहे हो, बट मेरा काम है दिखाना जो भी चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम वाली है, पूरी भिवंडी शहर में जो भी चीज़ प्रॉब्लम वाली है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये पार्किंग है, ओके दिखाओ यहाँ पर, ये एक गाड़ी है जो उनकी परमानेंट खड़ी रहती है। दूसरा ये जो गटर के ऊपर दिखाइए आप, ये गटर के ऊपर लोगों ने देखिए वो अपना रास्ता उन्होंने अलग कर लिया है, वहाँ से वो बना लिया है, गटर के ऊपर ही चीजें बन गई हैं। और यहाँ पर देखिए ये कुछ कह रहे हैं, हाँ बताइए, यहीं पर फॉलो कर बोले, ये सब देखा जाए आप, जैसे 7-12 का जैसे पेपर होता है ना वैसे बना के प्रॉपर्टी रखा गया है। ये फ्रिज किसकी है? ये इस दुकान वाले की है। क्या दुकान वाले है क्या? जरा बुलाओ, नहीं बुलाओ, आप देख लो, क्योंकि ये कुछ देख लो आप, ये देख लो, ये उठता देख लो, ये चेंबर देखो, यहाँ से कोई गाड़ी जा सकती है? ये तो चेंबर है, हाँ दिखाइए जरा, मैं नीचे दिखाना चाहता हूँ कि ये यहाँ से एम्बुलेंस अगर गुजरना चाहे, कभी किसी को इमरजेंसी हो गई तो क्या यहाँ से कोई एम्बुलेंस गुजर सकती है? क्या यहाँ से कोई फायर ब्रिगेड गुजर सकता है? या इमरजेंसी में कोई गाड़ी अगर गुजरना चाहे, 4-व्हीलर 2-व्हीलर 3-व्हीलर, तो आसानी से नहीं गुजर सकती, प्रॉब्लम है उसमें, सामने वाले को बहुत इशू होगा वगैरह, ऐसे लेवल में रहना चाहिए दुकान वाले भाई। और गटर को लोगों ने उस तरीके से बना लिया है कि वो ओटा नजर आ रहा है अभी, ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दुकान वाले भाई तो है नहीं, क्या भाई किनकी दुकान है? नहीं है वो, कब आएंगे? रात में आएंगे, चलिए ठीक है, आगे थोड़ा सा और चलते हैं।
और ये पूरी गटर जो है वो ऑक्यूपाई है। अभी लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था तो हमने आपको दिखाया था ये गटर ना उस वक्त खुली हुई थी, ये गटरें जो है ना ये खुली हुई थी और ये सब इतना नहीं था, बट मेरे जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था ये मेरे को लगता है अभी साल डेढ़ साल में ये इतना ज़्यादा हो गया है। आप थोड़ा सा और आगे आओ, ये सबसे बड़ा चैम्बर ये ड्रेनेज का चैम्बर है, उठाया गया है क्या यहाँ से रिक्शा वगैरह ना जाए, वो हमारे को तकलीफ देने वाले को उठाया जाएगा, क्यों नहीं जाएगी रिक्शा। अभी मैं तुम्हारे को क्या बताया, यहाँ पे इंसान देख के बांटा जाता है, जिसके लग पैसा है उसको इज्जत, जिसके लग पैसा नहीं है वो गया जक मारा। जिसके लग पैसा नहीं है वो भी तो इंसान ही है ना भाई, वो इंसान बड़ा इंसान पैसे से थोड़ी, वो इंसान होता तो वो समझता क्या इंसान की प्रॉब्लम क्या है, तो वो इतना बड़ा उट्टा नहीं बनाता, वो किसी मतलब वो जो जगह पे वो सामान नहीं रखता, किसी को तकलीफ नहीं देता। अगर वो इंसान अगर समझता हो तो सबको इंसान। और दोपहर में आप देख सकते हो एक गाड़ी में भी आपको एक वीडियो दूंगा कि यहाँ पे हर दो घंटा रोज आना गाड़ी खड़ी रहती है रोज डेली, जिसमें आने को बहुत तकलीफ है, उसको बहुत बार बोला गया है तो किसी पे कोई रिप्लाई नहीं आता उसका, एकदम डेरिंग से और सीधा आंग पे आता लड़ने के लिए। 15 तारीख के दिन मेरे से मचमच किया था उसने, रबीउल 16 तारीख को अपना जो मेल रखा। ये आप लोग जैसे आप लोग छोटी छोटी सर्विसेज के लिए आप लोग याकूब भाई को बोलते हैं, ताला भाई को बोलते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप उनको नहीं बोलते कि भाई ये इस तरीके की प्रॉब्लम होती है? बात बोलो बुरा नहीं मानना, एक बार हुआ था हम लोग का कुछ आपसी मामला लोग से, तो उस वक्त हम लोग को ना इन लोग मारने होने की धमकी दी, तो हम लोग में आता पाई हुई थी, तो हम लोग याकूब कहते ये लोग क्या बोले याकूब और तला के बल में उछलते हो तुम लोग, मतलब उछलने की क्या बात है, वो हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, इंसान है याकूब भाई भी जो है एक इंसान है, वो हमारे काम आया और हर वक्त काम आता है, जब उसको फोन करो इंशाल्लाह वो जरूर आया था, और जब कॉल नहीं उठाता है बिजी रहता है कहीं तो फ्री होता तो पहले कॉल करता, क्या हुआ बेटा कुछ काम है क्या? ये लावारिस है याकूब भाई, हाँ मुकादम जो बोलता है लावारिस गली है, जो यहाँ का मुकादम है ना, हाँ बोलता लावारिस गली है, वो साल वाले टावर से बराबर कचरा उठाता है, हम लोग कचरा नहीं उठाता है, वो आगे ये जो बिल्डिंग के साथ मालिक है वहाँ से उठाते हैं और वहाँ से नहीं उठाते, वहाँ से पैसा मिलता है उनको, मतलब म्युनिसिपैलिटी के कार्यकर्ता बिना पैसे के भी काम भी नहीं करेंगे, मतलब सैलरी भी लेंगे अलग से और यहाँ से पैसा भी लेंगे अलग से। देखो ये चैम्बर कहते हैं, वैद्य अपने वाला देख रहा हूँ कि ये इतना बड़ा चैम्बर है, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ ये चैम्बर उठा, यहाँ रोड बैठा, एक एम्बुलेंस आएगी तो उसको गिरने का चांस है, पलटने का चांस है, देख रहे हो आप, आपके सामने मैं कुछ आपसे दुकान रहने। आप लोग क्या चाहते हो, मतलब आपके एरिया में जो जो भी प्रॉब्लम है आप एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बताइए कि क्या चाहते हो आप लोग, क्या होना चाहिए? पहले तो चैम्बर सही करना चाहते हैं, रिक्शा हम लेके आते तो चैम्बर रिक्शा पलट जाते हैं, और दूसरा गटर, हाँ हाँ, और तीसरा अपने पूरा यहाँ से RCC रोड बन जाए तो बेहतर, इन चीज़ चाहते हैं आप लोग। अभी इनकी जो सुविधा है, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पर गटर का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, अभी ये जो ड्रेनेज का जो गंदा पानी है ना, यहाँ कई सारे नल के जो कनेक्शन है ना वो खुले हुए हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो गंदा पानी उन्हीं खुले हुए नल के जरिए धीरे धीरे वो अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को गंदा पानी आ रहा है। दूसरा ये जो चैम्बर है, नहीं वो चैम्बर है उन्होंने बनाया है चैम्बर इस तरीके से, तो शायद उनका कुछ प्लान होगा, तो उनको क्या करना चाहिए कि इसी चैम्बर के लेवल में ये पूरा रोड उनको बनाते तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा, लेकिन बनेगा कैसे सवाल वो है, आओ देख लेते हैं। ये मदरसा है बराबर, यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ने आते हैं अरबी कुरान शरीफ मुकम्मल करने आते, और ये देखो इतनी गंदगी है, ये गंदगी तो ये मोहल्ले वाले ही करे ना फिर, ये तो कोई और तो किया नहीं है। एक बात बोलूंगा, जब तुम्हारे घर में कचरा आएगा, कचरा उठाने वाला नहीं आएगा, तो मजबूरन क्या करेंगे मोहल्ले वाले, क्या वहाँ फेंकेंगे? जो फैमिली है वो कॉर्पोरेशन जाएगी फेंकने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए था, अभी तो उनकी भी आँख खुलेगी। असल में तुम जो बोल रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए था, अब हर किसी के लिए इतना टाइम नहीं है, कोई अपने बच्चों को स्कूल में परेशान है, सब अपने अपने घर में परेशान है, क्या म्युनिसिपैलिटी का धक्का खाएगा कि कोई नगर सेवक MLA तो यहाँ पे माशाल्लाह इतने अच्छे के फोन उठाते नहीं है, कुछ बताते नहीं है, अरे आप उनके पास चले जाते अगर वो यहाँ पर नहीं उठा रहे फोन उठा रहे, उनके जो कार्यकर्ता उनके जो सुनो, एक बात नहीं सुनो, रहते गए और आ गए जीत के, तो उनको कुछ नसीब समझना चाहिए, आप भिवंडी हमारे को जिताए कुछ सोच के जिताइए, तुम सिर्फ गैबी नगर को संभाल के रखे क्या, क्यों सिर्फ गैबी नगर के ओट से जीतोगे? ऐसा बहुत लोगों ने बोला है कि रईस भाई ना सिर्फ गैबी नगर और शांति नगर पे ध्यान दे रहे, बाकी पूरा ईस्ट जो है ना ध्यान नहीं दिया। चल एक बार भी आया होगा ना तो मेरे सामने उसको खड़ा करो, रईस की बात कर रहा हूँ मैंने यहाँ तो आते हुए नहीं देखा, यहाँ की वीडियो भी नहीं होगी, उनकी सोशल मीडिया पे हर जगह की वीडियो दिखाई जाएगी, बन यहाँ की नहीं दिखाई देगी, यहाँ आया नहीं तो क्या बनाएगा वीडियो, ये जो आप देख सकते हो दिखाइए, ये गटर वगैरह जो खुली हुई है और याकूब भाई से मैं लेके आया हूँ चैम्बर, मैं आपको बताया ना जो ये पूरी गटर भरी थी बारिश के मौसम में, तो हम लोग अपने जेब का पैसा निकाल गए, आपको यकीन नहीं आ रहा, वो भंगी लोग है पीछे, वो लोग से खुद उनका नाम क्या काड़ा भाई है ना, ये मयूर नाम है उसको, हम लोग कुछ पैसा दे के अपने जेब से पर्सनल पैसे से साफ करवाए, पूरा साफ हम लोग ही करे थे, फिर आखिर में वही हो गया, ये कहते 10 दिन का अपना कुरानी रहती है मोहरम में एरिया में, तो वो हिसाब से अपन कहते हैं अब इतने लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो ये सब गंदा पानी में से आ गया क्या, वो कुरान शरीफ मुकम्मल पढ़ने अरबी है ना भाई, तो ऐसे गंदगी में से कैसे जाएंगे, तो अभी
ये वीडियो रही शेख भी देखने वाले हैं, जो उन तक भी जाने वाला है, कोई मैसेज उनको देना चाहते हो तो बोलो आप। खुद मैसेज दे दी, इतनी बड़ी तकलीफ बताइए आप न्यूज के जरिए, बताइए वीडियो के जरिए, बता ही दिया पूरा क्या भाई पूरी। मैं आपको वीडियो, उनको खुद पर्सनल वीडियो बनाई, तो लोग देखे तुम कब दोगे कब। मैं तो उनको एकदम ऑन द स्पॉट, मैं कल मैं ये दिखाऊंगा उनको की बात कर रहे हो। मैं मैसेज डाला और वीडियो बना के भेजा, अभी तक का कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई वो मैसेज नहीं आ गया, हम आ रहा हूँ, कॉल नहीं उठाते। मतलब क्या तुम्हारा MLA हो ना तुम, काहे के लिए बनाए? सिर्फ गैबीनगर शांतिनगर संभालने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ी में चलने के लिए, मर्सिडीज चाहिए। आप पूरे ईस्ट के MLA है ना, क्यों चाहिए? ये सब कहाँ से आ रहा है? ये आना चाहिए ना, इधर कोई है रूल नहीं है। यहाँ पे हम बुलाएंगे, अब तुम बोले याकूब भाई और तला मोमिन को बोल दो तुम करा सकते, कितना बोलेगा? तो सवाल बनता है कि जब इनको इनसे मोहब्बत है तो फिर जो MLA है या जो उनके जो कनेक्टेड लोग हैं उनको इनसे मोहब्बत क्यों नहीं? जब ये अपनी प्रॉब्लम उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वीडियो भेज रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं, तो उनके आदमी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह है? क्या वाकई में ये जो कह रहे हैं कि भाई उनको सिर्फ गैबीनगर शांतिनगर से मतलब है, तो क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर आप सोचिए कि पब्लिक फिर आपसे बहुत ज्यादा नाराज है, और इस बार फिर वो MLA के इलेक्शन में फिर आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ना गिरे थे भाई, जो मैंने हम लोग कैसे निकाले हम लोग को मालूम है, बाइक लेके स्लिप होते थे इधर, पाइप ऊपर है तो बाइक लेके स्लिप होना ही है। नल नहीं आया, जो बोरिंग लगा था चलती थी, बोरिंग अभी बिगड़ गई है, पूरी जल गई अंदर, पानी भी प्रॉपर यहाँ नहीं मिल रहा है लोगों को। जो मैंने जो चालू थे तीन तीन दिन चालू रहते थे, कब आता है पानी यहाँ पर? डेली आता है कि आड़ आता है? रात में 3 बजे आता है, 9 बजे अगर पानी आता है रात में 3 बजे। वो तो ये तो अलग ही सिस्टम है भिवंडी शहर के कुछ एरियो का, कि आपको रात में 3 बजे तक भी जागना पड़ता है, और पानी भरने के लिए वो भी। बताइए, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, क्या तकलीफ है? क्या बोलना, रोना नहीं, रास्ता देखना पहले रास्ता। मैं रास्ता ही तो देख रहा हूँ कि ये पूरा पाइप जो है वो ऊपर है, चैम्बर जो है वो ऊपर है, और गंदा है, गंदगी है पूरा, रोड गटर खुली हुई है। ये 2 साल से हम लोग तकलीफ उठा रहे हैं, 2 साल से उठा रहे हैं, भी सही नहीं है, और नल का पानी बराबर नहीं आता। अभी 10 दिन पहले बहुत तकलीफ थी पानी की, अब भी मैं गिरा हूँ इससे पाइप से। ये पाइप से, ये पाइप तो मैं समझता हूँ ये प्लम्बर लोग का काम है कि खोद के लिए लेके जाना चाहिए, या ऐसे ऊपर से लेके जाते हैं? पूरी चप्पल ऊपर सब गई है, चप्पल तो टूटी हुई है उनकी। नगर पालिका से एक रिक्वेस्ट भी है, और आप लोगों से भी, कि जो भी यहाँ पर जो पाइप लेके जाते हैं, जो प्लम्बर जो अपने अपने नल का कनेक्शन लेके आते हैं, ये खोद कर लेकर क्यों नहीं जाते, ये ऊपर से ही लेकर क्यों जाते? तो ये रिजवान बिल्डर है, हाँ। कई चम्मच है जो रईस शेख के साथ ही घूमते, इसका कोई ये काम है क्या? तुम बोलते हो ना ये, अभी तुम क्या बोल रहे थे, ये प्लम्बर लोग को बोलना चाहिए आप लोग को, ये किसका बोले? ये बिल्डिंग के अंदर गई है पूरी लाइन, पूरी लाइन बिल्डिंग में गई, मतलब नगरी चौपट राजा वाला हिसाब किताब चल रहा है। ये जो है रईस शेख का, जो रिजवान बिल्डर है, रईस शेख के साथ आगे पीछे घूमते है, तो ये देख सकते हो आप पूरा पाइप कैसे गया यहाँ से लेके यहाँ, कोई अंदर से काम नहीं हुआ, सब मतलब सब बाहरी काम है, अंदरूनी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ इस एरिया का सर्वे करने के बाद यही पता चल रहा है कि भाई ये ईस्ट का ये एरिया और वार्ड नंबर 9 का एरिया, जहाँ पर नगर सेवक के जरिए, MLA के जरिए या फिर नगर पालिका के जरिए यहाँ के लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और जो लोग यहाँ के जिम्मेदारान हैं, खासतौर पर ये जो नल का जो प्रॉब्लम है, कि नल का जो कनेक्शन लेके जाया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होने की वजह से, यानी पाइपलाइन बराबर ना होने की वजह से रोड के बीच में से कनेक्शन जा रहा है, जिसकी वजह से मिट्टियाँ हट जा रही हैं और लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, लोग यहाँ पर गिर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी नगर पालिका को ध्यान देने की ज़रूरत है, MLAs को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जब कॉरपोरेटर जीत कर आएंगे तो देखना है कि वो इस एरिया के लिए क्या काम करते हैं। अभी उनके कहने के मुताबिक कि ये गटर है और गटर के ऊपर इसको बढ़ा दिया गया है, तो वो जो रोड है ना वो छोटा हो गया है, गाड़ियाँ आने जाने में प्रॉब्लम होता है, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? ये जो है वो गटर है असल में, लेकिन इसको गटर को स्लैब कर दिया गया है, और वो एक एरिया पूरा हिस्सा पूरा अलग हो गया है, वहाँ का रोड अलग है, ये अलग है, अब गाड़ियाँ वहाँ से आने जाने में दिक्कत होगी। निकालिए ना, दिखाइए ना कौन सा अलग है, क्या गटर है, देखिए ना आप। नहीं, वो तो मैंने दिखाया है कि गटर जो है वो ऊपर हो गई है और वो जो रोड है वो नीचे हो गया। तो कौन सा रोड क्या है, गटर कहाँ बनी है, रोड कहाँ है, देखिए ना आप देखिए ना, वीडियो दिखा लिए ना। मैं दिखाया हूँ, मैं दिखा दी, दिखाइए वीडियो में दिखाइए, वो आपकी दुकान के सामने ही है, इसके लिए बोल रहे हैं लोग। बोल रहे हैं कि वो उनकी एक गाड़ी है वो रोड पर पार्क कर देते हैं, फिर लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है, रिक्शा क्रॉस नहीं होता, लोग यहाँ से आ जा नहीं सकते प्रॉपर से। तो उनकी भी रिक्वेस्ट है कि भाई उनको बोलिए कि अगर वो गाड़ी कहीं और पार्क करे तो लोगों को आसानी हो जाए चलने में। कौन सी कुछ बड़ी गाड़ी है जो यहाँ पर आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, देखिए ना गाड़ी वो अभी वहाँ खड़ी, उनका कहना है कि यहाँ पर खड़ी रहती है, मेरी दूध की गाड़ी आती है, आधे घंटे में दूध खाली करके चले जाती है, रिक्शा से आती है और आके चले जाती है, बाकी और कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू, बस।